फुलन देवी के बारे में आपके सामने कुछ बताना चाहती हूँ। वो एक आत्मनिर्भरता की स्वयं एक मिसाल है। अपनी लड़ाई उसने खुद ही लड़ी है। जैसे गौतम बुद्ध ने हमें अत्यधिक भव का संदेश देते हैं, उसी का वो जीता जागता सबूत है, ऐसा मेरा मानना है। आज भी पुरुष वर्चस्व की मानसिकता है। समाज व्यवस्था में महिलाओं पे हो रहे अन्याय अत्याचार पर कई फीसदी बढ़त हुई है। उसमें भी अगर कोई महिला गरीब और नीची जाति की हो तो अन्याय अत्याचार की परिसीमा हो जाती है। ऐसे ही अन्याय अत्याचार की शिकार हुई उस शिकारी का बदला लेने वाली एकमात्र स्त्री फुलन देवी का नाम सामने आता है। फुलन देवी का जन्म यूपी में मल्लाह जाति में एक गरीब परिवार में हुआ था। 10 अगस्त 1963 में यूपी में जालौन जिले में घुरा का पुराना पुरवा गांव में अति मागास वर्गीय जाति में मच्छीमार का व्यवसाय करने वाली में उनका जन्म हुआ था। मात्र 11 साल की उम्र में उसकी शादी एक प्रौढ़ बूढ़े आदमी से कर दी गई थी और वहां से वो परेशान होकर वहां से भाग आई थी। फुलन देवी बचपन से ही स्वाभिमानी थी। तब सरंजामशाही और जमींदारशाही चलती थी। उसकी नीची जाति को उस उनको नीची जाति की महिलाएं अपनी खुद की महिलाएं खुद की संपत्ति नजर आती थी। देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी वहां की व्यवस्था नहीं बदली थी। अगर किसी ने आवाज उठाई तो रणवीर सेना पूरी की पूरी झोपड़िया आदमी समेत जला देती थी। उस पीरियड में एक महिला ने, मतलब एक बच्ची ने, वो सब कर दिखाया जो कोई आदमी ना कर सका। मात्र 15 साल की उम्र में उस पर 35 लोगों ने बलात्कार किया था। 22 लोगों ने बलात्कार किया था। तब क्या नहीं सहा होगा उस बच्ची ने। छोटी सी बच्ची थी वो। कितनी यातनाएं सही होगी उसने सोच के भी सामने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पर भी उसे सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने पर उसी गांव के लोगों ने उसे पूरे गांव के सामने नंगा किया था। कहाँ कहाँ जान रही होंगी उस बच्ची की, नन्ही सी जान की। कितनी पीड़ा सही होंगी उसने, फिर भी कैसे हिम्मत जटाई होगी उसने। उसके साथ कोई नहीं था, अकेला कर दिया गया था उसे। तब वो पागल ना हुई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उसके बाद भी उसका दुख खत्म नहीं हुआ। उसके गांव में डाकुओं ने डाका डाला और उसे उठा ले गए। उस पर बलात्कार पे बलात्कार होता रहा। उसे बदला लेने की आग ने जिंदा रखा होगा शायद। वहां वही उसके वही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहां डाकुओं के खेमे में ही उसी का, मल्लाह जाति का विक्रम सिंह नाम का डाकू उसे मिला। वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ही डाकू बना होगा। तब तो वहां सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, पुरुषों पर होने वाले अत्याचार की भी कोई सीमा नहीं होती थी। इसलिए कोई जंगल भाग जाते होंगे। उन दोनों ने मिलके अलग से अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की गैंग बनाई और उसी गांव में 1981 को बदला लेने के लिए धाबा बोल दिया। जिन 22 ठाकुरों ने उसका 15 साल की उम्र में ही बलात्कार किया था, उसके जीवन को नर्क बनाया था, उन सबको लाइन में खड़ा करके उनका वध किया फुलन देवी ने, वो भी सबके सामने। तब मात्र केवल वो 18 साल की थी। मतलब 3 साल बीत जाने के बावजूद वो गुनाहगार सरे आम गांव में घुमा कर करते थे। इसलिए फुलन देवी वो बैंडेड क्वीन बनना पड़ा और खुद उनका खून, मतलब वध करना पड़ा। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनके आह्वान करने पर कुछ शर्तें रखकर फुलन देवी ने खुद को समर्पित किया। उसका साथी विक्रम मल्लाह डाकुओं की भिड़त में मारा गया। बाद में 1984 को समाजवादी पार्टी ने उसको जेल जेल से बाहर निकाला, लोकसभा पार्टी का टिकट दिया और वो चुन के आई और सांसद की सम्मानित सदस्य भी बन गई। इसी दरम्यान उनका संपर्क बौद्ध भिक्खु धम्मे वीरों के साथ आया और उसका जीवन मुक्ति का मार्ग मिल गया उसे। फिर उसने नागपुर में दीक्षा भूमि में आके बौद्ध धम्म का स्वीकार किया।
धकधकती ज्वाला को शांति की अनुभूति हुई ही नहीं थी कि उनकी हत्या हो गई। फुलन देवी तो शरीर से तो गई, लेकिन शरीर रूपी महिलाओं को अपनी शौर्यशाली कर्तृत्व बढ़ाने की प्रेरणा देकर गई है। जुल्म करने वालों से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। जुल्म के विरुद्ध निर्भय होकर लड़ना चाहिए, ऐसी क्रांतिकारी फुलन देवी ने सबको मंत्र दिया है। ऐसी ही महिलाएं खुद में लड़ने की शक्ति पैदा कर सकती है, और हजार बार वार करने वालों से लड़ सकती है। ऐसी जिद और ऐसी शक्ति महिलाओं में होना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में इतना अधिकार देने के बावजूद महिलाओं के ये हाल है, तो ये महिलाएं ने सोचना जरूरी है। आगे से ये सब किसी महिलाओं में साथ या किसी लड़की के साथ ना हो पाए, इसलिए हमें इकट्ठा होना है। हाथरस हत्याकांड जैसे वारदातें ना हो पाए, इसलिए हमें पहले सर के स्ट्रांग बनना पड़ेगा, दिमाग से भी और शरीर से भी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बताया है हमें कि हर स्टूडेंट को सैनिक का प्रशिक्षण देना चाहिए, और हम वो दे नहीं पा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए ये अत्यावश्यक है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सेफ रखने के लिए गोडबोले जैसे बहुत लोग थे, तब महिलाओं को लाठी तक चलाना आता था। नागपुर की महिलाएं तो ऐसी खतरनाक है कि इंदौरा की दो महिलाओं ने कोर्ट में पप्पू यादव का खून किया था। राजस्थान में दो महिलाओं ने मनु के पुतले को काली पोत दी थी। इसलिए चाहिए कि महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो चाहे तो अपना आत्मसम्मान तब हासिल कर सकती है, वो आसमान को छू सकती है। महिला है इतनी स्ट्रांग है कि वो अगर सोचे तो वो खुद भी हासिल कर सकती है। और इसलिए हमें महिलाओं ने अकेली अगर महिला नहीं लड़ सकती, तो महिलाओं ने इकट्ठा होना भी जरूरी है। अगर गांव के कम से कम उसी के जाति के लोग अगर इकट्ठा होते, तो फुलन देव के साथ ये हादसा नहीं होता, और एक दूसरे के मदद करते तो ये काम उनका अकेले उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे डाकुओं को इकट्ठा करने में ये काम करना पड़ा, इकट्ठा करके ये सब उसे अकेले को करना पड़ा। यानी इकट्ठा होने का ये सब सिंपल सा उदाहरण है। इकट्ठे रहोगे तो कोई भी हम पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाएगा, बहन बेटियों की इज्जत को तार तार नहीं कर पाएगा। हमने आपस में शक्ति बढ़ाने के लिए इकट्ठा होना जरूरी हो गया है। हाल ही में राजस्थान में जितेंद्र मेहवाल की हत्या हुई है, मूछें रखने और ब्रांडेड कपड़े पहनने के कारण। डॉक्टर आम्बेडकर ने चैत्य भूमि के सामने, अभी अभी की बात है, डॉक्टर आम्बेडकर के चैत्य भूमि के सामने होली जलाने की कोशिश की गई, और उसे बंद करने के लिए अकेले जया बनसोड़े लड़ी है। ये लड़ाई हम सबकी है, वरना हम एक एक करके मारे जाएंगे और हम पर रोने वाले भी नहीं होंगे। इसलिए अपने में हमें ताकत और बुद्धिमत्ता निर्माण करनी है। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके जुड़ना है, जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे। हमें जिद है जुड़ने की। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जितना जितना जुड़ेंगे उतना उतना जीतेंगे, जो जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे। जुड़ो और जीतो। समन संघ में जुड़ने के लिए सबका स्वागत है। यहाँ सब स्पोक बनते हैं, कोई लीडरशिप नहीं है। यहाँ सब समन यानी समान है। यहाँ पैसों की कोई लेन देन नहीं है, सबको बराबर का हक है। सबको अपने विचार रखने की परमिशन है, और सबको महापुरुषों के बारे में बताने की भी अनुमति है, ताकि सब लोग ब्रेव बन पाए, अपने लिए इकट्ठा होकर लड़ पाए। और सब महिलाओं को इकट्ठा होना जरूरी है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। महिलाएं और पुरुष से दोनों को अकेला नहीं लड़ सकते, मिलके लड़ना जरूरी है। इसलिए
अपनी ज्ञान भी बढ़ाना है, सबको एक करने के लिए आगे बढ़ाना है, बच्चों को भी अपने को शक्ति आने के लिए उनको भी पढ़ाना है, एजुकेशन भी जरूरी है। इतना बोल के मैं यही समाप्त करती हूँ। जय भीम। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.